Hello children, in this video we will do iteration or looping statements. The iteration statements or repetition statements allows a set of instructions to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. The iteration statements are also called loops or looping statement. Iteration स्टेटमेंट्स और रिपीटेशन स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, मीन्स जब तक कि कंडीशन जो कंडीशन ट्रू है वो फॉल्स नहीं हो जाती, राइट? तो जब तक कंडीशन, जो भी आपने कंडीशन ली है वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक क्या होगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना बंद कर देंगे, राइट? इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट की थी जहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ पार्ट जो होता था उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती थी, और जब स्टेटमेंट फॉल्स होती थी तो अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था, राइट? इन केस ऑफ लूपिंग क्या होता है, हम लूप्स बनाते हैं, लूप्स के अंदर कंडीशन सेट करते हैं, और जब तक कंडीशन क्या होती है ट्रू होती है तब तक लूप्स मतलब उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती रहती हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना बंद कर देती हैं, राइट? पाइथन प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, टू प्रेजेंट टू कैटेगरीज ऑफ लूप्स। पाइथन दो तरीके के लूप्स प्रोवाइड करती है, एक फॉर लूप एंड एक व्हाइल लूप, राइट? Now first we have definite loops or counting loops. Python's for loops are called definite loops because they repeat for a definite number of times. For Python ka for loop ko kya bolte hain, hum definite loops bolte hain, right? Or counting loops bolte hain. Why? Because इसका रीजन क्या है, ये एक डेफिनेट नंबर मतलब एक हमें पता होता है कि कितने टाइम्स ये लूप चलेगा. Okay, we know how many times the loop will execute, how many times the statements will execute, right? That's why for is called as definite loops or counting loops, right? The next is indefinite loops or conditional loops. Python's while loops are called indefinite loops because they keep repeating as long as some condition is true. Python ka while loop क्या होता है, इनडेफिनेट लूप होता है, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है, जैसे ही फॉल्स होती है तो लूप स्टेटमेंट स्टॉप हो जाती है, एग्जीक्यूट करना स्टॉप हो जाती है, राइट? सो हियर वी हैव टू काइंड्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। इस वीडियो में हम करेंगे फॉर लूप। Okay, for loop in Python is used to create a loop to process items of any sequence such as list, a string or a tuple one by one. For loop का क्या use है? For loop की help से हम किसी भी sequence के item को access कर सकते हैं, process कर सकते हैं, right? And we have number of sequence. Sequences क्या होता है? List is a sequence, string is a sequence, tuple is a sequence. तो हम इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, उसको वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? दैट आई विल शो यू विद एग्जांपल। नाउ इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट लूप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक 5 times, 10 times और n टाइम्स यूजिंग रेंज फंक्शन। फॉर लूप को हम रेंज फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स द स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट, राइट? इसमें हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम्स मतलब कितनी बार हमें लूप को चलाना है, 5 बार चलाना है, 10 बार चलाना है, या कितनी बार हमें लूप को चलाना है, ये हम रेंज में फंक्शन में खुद सेट कर सकते हैं, राइट? Now syntax of for loop. अब for loop का syntax क्या है? For variable, right? For variable. Fine. In sequence range. हमने क्या लिया है?
एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, ओके, इन सीक्वेंस, उस वेरिएबल को हम यूज करेंगे सीक्वेंस में और रेंज में, ओके, एंड आफ्टर दिस वी हैव द स्टेटमेंट्स इन बॉडी ऑफ लूप, ओके, उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट करेंगी, देन वी हैव द एल्स पार्ट, एल्स पार्ट इज ऑप्शनल, आप इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको एल्स पार्ट यूज करना है, इट इज अप टू यू बिकॉज इट इज ऑप्शनल, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं, आप सिंपली ये सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं फॉर वेरिएबल इन सिक्वेंस रेंज स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ लूप, राइट। अब हम लिस्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं फॉर लूप का, सबसे पहले लिस्ट के साथ, फाइन, यहाँ पे हमारी लिस्ट है, we have taken a list, okay, 10, 20, 30, 40, 50. Now, अब हमने क्या लिया है? For A in list, right? Okay, the loop variable A will be assigned each value of the list one by one. Okay, for, अब यहाँ पे A क्या है? Loop variable है. ये क्या करेगा? List की जितने भी elements है, उसको one by one access करेगा और store करेगा, right? ओके, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो फोर किसको लेगा, सॉरी ए किसको लेगा, ए लेगा 10 को, फाइन। जब फर्स्ट टाइम आपने लूप चलाया तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 10, ओके। अब ए में एंड एवरी टाइम व्हेन द लूप वेरिएबल विल एक्सेस एनी वैल्यू, विल असाइन एनी वैल्यू, ओके, द स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप विल एग्जीक्यूट, राइट। अब यहाँ पे ए ने कौन सी वैल्यू ली है, 10 लिए, अब नाउ इट विल गो डाउन, ओके, प्रिंट ए, प्रिंट ए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ए मीन्स अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10, फाइन। नाउ द सेकेंड टाइम लूप विल रन, अब ये कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा, ये करेगा 20, ओके, क्योंकि वन बाय वन इट विल एक्सेस ऑल द वैल्यूज ऑफ द लिस्ट, जब तक कि लिस्ट की सारी वैल्यूज एक्सेस नहीं हो जाती, वो वन बाय वन सारी वैल्यूज एक एक बार एक्सेस करेगा। अब 20 को उसने क्या किया है, एक्सेस किया है, और यू कैन से असाइन किया या स्टोर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इट विल गो डाउन, नीचे जाएगा, तो अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंट ए, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 20, राइट। देन इट विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट, दैट इज 30, then, okay, then the 30 will be printed, fine, 30 will be printed, then it will access 40, then 40 will be printed, okay, and then it will access 50, fine, okay, तो अब क्या है, उसके बाद क्या होगा, 50 आपका print हो जाएगा, when all the values of the list are एक्सेस्ड और असाइंड बाय द ए। इसके बाद क्या है, जब सारे के सारे एलिमेंट्स वो एक्सेस कर चुका है, तो यहाँ पे हमारा लूप क्या करेगा, फिनिश हो जाएगा, फाइन, ओके, ओके। अब नाउ फिनिश होने के बाद कहाँ पे जाएगा, एल्स पार्ट पे चला जाएगा, आउट ऑफ द लूप, ओके, एंड देन एल्स पार्ट पे जाएगा, तो एल्स पार्ट की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, लूप इज ओवर। सो यू कैन सी हियर, आफ्टर प्रिंटिंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, loop is over is printed here, right? Okay, and hamesha yaad rakhna hai aapko, always remember this, iska syntax kya hai, for variable, okay, you can take any variable name, for variable in sequence or range, and colon is mandatory, aapko hamesha colon ka dhyan rakhna hai ki colon zarur lagana hai, okay, and then after this the body of the loop, जो भी आपको बॉडी में देना है, एक प्रिंट स्टेटमेंट और मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट, आप कितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने लिस्ट के साथ फोर का एग्जांपल देखा। नेक्स्ट अब हम लेंगे स्ट्रिंग के साथ एग्जांपल, राइट। तो हमने क्या किया है, फोर सी एच, सी एच क्या है, हमारा वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, फोर सी एच इन इंडिया, ओके, इंडिया क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, राइट, ओके, इंडिया इज अ स्ट्रिंग, प्रिंट सी एच, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, सी एच जो वेरिएबल है, लूप वेरिएबल है, वो क्या करेगा, इट विल असाइन ऑल द लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग वन बाय वन,
ओके तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, सीएच के अंदर क्या स्टोर करेगा, इसका फर्स्ट लेटर आई. ओके एंड देन आफ्टर स्टोरिंग दिस इट विल गो डाउन. एंड क्या होगा उसकी स्टेटमेंट, जब भी लूप वेरिएबल कोई भी सीक्वेंस की वैल्यू असाइन करता है, उसके बाद क्या होता है, इट कंट्रोल कहाँ जाता है, लूप बॉडी पे जाता है, और लूप बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स दी होती हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं. फाइन, हमेशा इसको याद रखना है. अब या द सीएच विल कंटेन विल असाइन आई, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, आई प्रिंट हो गया. देन सी एच विल गो टू द नेक्स्ट लेटर एन. देन आपका क्या प्रिंट होगा, एन प्रिंट हो जाएगा, राइट. इन दिस वे ऐसा ही सेम प्रोसीजर है, इट विल असाइन ऑल द लेटर्स वन बाय वन अंटिल योर स्ट्रिंग गेट फिनिश्ड, राइट. जब ये लास्ट करेक्टर इसका प्रिंट कर देगा, उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा लूप बॉडी से, और लूप बॉडी के बाहर हमने एल्स की स्टेटमेंट दे रखी है, और एल्स में हमने क्या दिया है, कमिंग आउट ऑफ द लूप. एंड दिस आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, एल्स पार्ट की, कमिंग आउट ऑफ द लूप. एंड आई टोल्ड यू एल्स इज ऑप्शनल, आप इसको यूज कर भी सकते हैं, और इट्स अप टू यू, राइट. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉर लूप विद टपल, राइट. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, टपल लिया है, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द टपल इज कोड. नाउ वी आर यूजिंग द फॉर लूप फॉर सी डी. सी डी क्या है, वेरिएबल नेम, कुछ भी ले सकते हैं आप वेरिएबल नेम इन कोड. नाउ अब क्या होगा, सी डी विल एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टपल 10, एंड देन अगेन इट विल प्रिंट इट, दैट इज 10 इज प्रिंटेड, ठीक है, 10 आपका प्रिंट कर जाएगा. देन इट विल एक्सेस द सेकेंड एलिमेंट 20, 20 इट विल असाइन और इट विल एक्सेस, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो. देन इट विल एक्सेस द सेकेंड एलिमेंट. तो क्या करता है, इट इज आइट्रेशन. आइट्रेशन मीन्स ये घूमता है सारे एलिमेंट्स के पास वन बाय वन, जितने भी आपकी किसी भी सीक्वेंस में एलिमेंट्स होते हैं उसको आइट्रेट करता है, राइट. दिस इज कॉल्ड एज आइट्रेशन, घूमना, ठीक है. तो ऐसे ही करके ये क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करेगा. एंड इन द लूप बॉडी व्हाट वी हैव गिवन द प्रिंट कमांड, ओके, एंड वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ द लूप वेरिएबल. तो लूप वेरिएबल में क्या है, वैल्यूज जाएंगी वन बाय वन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही है वन बाय वन, राइट. आप इसके अंदर कुछ और भी प्रिंट कमांड और कुछ और भी स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, राइट. अभी मैंने आपको सिंपली इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं, राइट. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टपल, the loop will get finish and the control will go to the else part. अब last में क्या होगा, else part की statement execute कर जाएगी, that is loop over. Fine. Now for with range function, राइट. नाउ व्हाट इज रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन होता क्या है, द रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन Python and is used to create a list containing a sequence of numbers starting with the start and ending with less than stop. ठीक है, range function Python का built-in function है, और इसका क्या use है, ये एक sequence create करता है numbers की, और sequence create करता है number की, जहां पे starting करेगा start से, और end क्या होगा, end is always minus one. इसमें क्या है, आप अपनी खुद की वैल्यूज सेट कर सकते हो कि कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो और कहाँ पे सीक्वेंस स्टॉप हो, राइट. आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, मान लो मुझे 20 से 30 की सीक्वेंस चाहिए, तो मैं 20 स्टार्टिंग वैल्यू दे दूंगी और 31 एंडिंग वैल्यू दे दूंगी. वाई, बिकॉज एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज माइनस वन इन रेंज फंक्शन. तो आपको हमेशा एक वैल्यू ज्यादा देनी है क्योंकि उसमें हमेशा माइनस वन होगा, राइट. तो यहाँ पे आप इसका सिंटेक्स देखो, रेंज स्टार्ट, स्टार्ट वैल्यू जो भी आपको देनी है, स्टॉप वैल्यू, ठीक है, स्टॉप वैल्यू इज ऑलवेज माइनस वन, रिमेम्बर दिस,
एंड स्टेप वैल्यू. स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वन, तो वन बाय वन करके आप चलते हैं, राइट. और आप कुछ और भी स्टेप वैल्यू दे सकते हो, आप टू दे सकते हो, थ्री दे सकते हो, इट इज अप टू यू कि आपको स्टेप वैल्यू कैसे देनी है, कितनी देनी है, राइट. द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर्स आर ऑप्शनल. स्टार्ट और स्टेप पैरामीटर्स क्या है, ऑप्शनल है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं. आप रेंज में सिर्फ स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हैं, बट स्टॉप वैल्यू इज मैंडेटरी, राइट. आपको स्टॉप वैल्यू तो देनी ही देनी है. बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इन एवरी आइट्रेशन इट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन. ओके, जब आप स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो हमेशा क्या होता है, लिस्ट जो आपकी लिस्ट होती है या सीक्वेंस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, राइट. एंड कैसे चलता है, इंक्रीमेंटेड बाय वन, मतलब एक एक स्टेप करके चलता है, जैसे वन जीरो देन वन देन टू देन थ्री देन फोर, लाइक दिस. ओके, बट वी कैन स्पेसिफाई डिफरेंट इंक्रीमेंट वैल्यू बाय यूजिंग द स्टेप पैरामीटर. और मैंने अभी आपको बताया बाय डिफॉल्ट तो ये वन बाय वन चलता है, बट आप इसको डिफरेंट स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं, लाइक टू टू स्टेप्स और थ्री स्टेप्स. तो क्या होगा, टू स्टेप्स स्किप करके चलेगा, थ्री स्टेप्स स्किप करके चलेगा, लाइक दिस. तो हम इसको अभी एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे. देखो पहले हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स सिंपल ले लिए. रेंज 10, अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे हमारे पास एक ही पैरामीटर है, दैट इज 10. तो जब रेंज फंक्शन में एक ही पैरामीटर दिया होता है, ओके, तो वो क्या होता है, स्टॉप वैल्यू होती है, एंडिंग वैल्यू होती है, एंड एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज माइनस वन, ठीक है. एंड आई टोल्ड यू, जब आपका स्टार्टिंग पैरामीटर नहीं दिया हुआ है तो आपका सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है. तो इसका आउटपुट क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, फाइन. अब नेक्स्ट रेंज फंक्शन, स्टार्टिंग वैल्यू इज वन, एंडिंग वैल्यू इज 11. तो यहाँ पे एंडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, और स्टार्टिंग क्या है हमारी 1. तो इसका आउटपुट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then आपका दिया हुआ रेंज 30 एंड 5. तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है आपकी, 0. एंडिंग वैल्यू क्या है, 30. तो 30 क्या हो जाएगा, माइनस 1, दैट इज 29. और स्टेप वैल्यू क्या है, 5. अब यहाँ पे हमारी स्टेप वैल्यू हमने चेंज की है, 5 दिए. तो क्या होगा, पहले आपका आएगा 0, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से है. फिर कहाँ पे जाएगा, 5 पर. 5 5 स्टेप्स चलना है. Then 10, then 15, then 20, and then 25, right? It will stop at 25 क्योंकि हमारी ending value क्या है, 29, okay? तो वहां पे इसके बाद तो ये 5 steps चल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर 31 होता तो 30 यहाँ पे आता, बट यहाँ पे 30 था तो हमारी ending value क्या होगी, 29, okay? The arguments of range function must be integers. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें आप हमेशा इंटीजर्स ही लोगे, राइट. द स्टेप पैरामीटर्स कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अदर देन जीरो. स्टेप पैरामीटर क्या है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हो, और पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हो. जब आप नेगेटिव इंटीजर लेते हो तो क्या होती है, वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, मतलब डिक्रीज होती है वन बाय वन, ओके. एंड पॉजिटिव में तो आपको पता है इंक्रीमेंट होती है वन बाय वन, राइट. तो You can take any value, negative value or positive value. अब हम क्या करेंगे, for loop करेंगे with range function, right? अब देखो, here we have a program to print table of a number. हमें एक number का क्या बनाना है, table बनाना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक number input करा लिया, fine? एक number input करा लिया, then for a, कोई भी variable लिया a. इन रेंज, रेंज फंक्शन हमने स्टार्टिंग कहां से की है, वन से. तो आपका ए में पहले क्या आएगा, वन, ओके. एंड एंडिंग वैल्यू इज 11, तो एंडिंग वैल्यू माइनस वन क्या हो जाएगा, ये 10, ठीक है. तो ए सबसे पहले क्या एक्सेस करेगा, वन, फाइन. ए क्या एक्सेस करेगा, वन. तो हमने लूप बॉडी में क्या प्रिंट कराया, नम. नम मान लो आपने 5 ले लिया, यहाँ पे नम नम का वैल्यू हम यहाँ से एंटर करा रहे हैं. आपने मान लो नम ले लिया 5, ठीक है, आपने नंबर ले लिया 5, राइट. एक्स एक्स हमने क्या किया है, कोर्स में लिया, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है. ए वैल्यू ऑफ ए इज 1, फाइन. देन
इक्वल टू हमने कोर्स में ले लिया, ये एज इट इज आ जाएगा, नम इंटू ए। तो नम की वैल्यू क्या है हमारी 5 और ए की वैल्यू क्या है हमारी 1। फाइन, तो आपको देखो आपका फर्स्ट जो आया हुआ है सबसे पहले वो आपसे पूछेगा एंटर नंबर 5, सॉरी एंटर नंबर, आपने 5 दिया, ठीक है। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 5 × 1 इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो अब अगेन लूप रन करेगा, ए में अब क्या वैल्यू आएगी, 1 के बाद आएगी 2, फाइन। अब देखो तो स्टेटमेंट क्या होगी, 5 × यहाँ ए की वैल्यू क्या आएगी, 2, ठीक है, 5 × 2। तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या है, 5 × 2 इज इक्वल टू 10, ओके। देन ए वेरिएबल क्या कंटेन करेगा, 3, ओके। देन आपकी स्टेटमेंट आई 5 × 3 इज इक्वल टू 15, देन वो क्या कंटेन करेगा, 4। ऐसे करके वो कहां तक जाएगा, 10 तक, क्योंकि हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है, 10, ओके। सो यू विल गेट द टेबल ऑफ एनी नंबर। अब क्या है, इस छोटे से प्रोग्राम से आप किसी भी नंबर का टेबल बना सकते हैं, राइट। इट्स वेरी इजी, राइट, ओके। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रेंज फंक्शन का। प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट रेंज फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे हम रेंज फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करें इस प्रोग्राम से, फॉर एन, एन हमारा वेरिएबल है, ओके, फॉर एन इन रेंज 5। अब देखो 5 दिया हुआ है, तो हमेशा अगर एक ही पैरामीटर दिया होता है तो क्या होता है, एंडिंग वैल्यू। 5 दिया हुआ है तो -1, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 4, फाइन। और स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से, राइट, क्योंकि जब स्टार्टिंग पैरामीटर नहीं दिया होता तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से, 0, 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4, फाइन। अब हमने इसकी लूप बॉडी में क्या दिया, n इंटू 10, तो फर्स्ट n में क्या आएगी, 0 वैल्यू आएगी, तो 0 × 10 क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, 0, ओके। सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 1 × 10 आपका रिजल्ट क्या आएगा, 10। देन आपकी क्या आएगी, 2, इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करेगी, 2, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 2 × 10 इज इक्वल टू 20। देन उसमें आएगी वैल्यू 3, तो 3 × 10 इज इक्वल टू 30। देन कौन सी वैल्यू आएगी, 4, 4 × 10 इज इक्वल टू 40, ओके। नाउ एन हैज एक्सेस्ड ऑल द वैल्यूज ऑफ द रेंज फंक्शन, ठीक है। अब रेंज फंक्शन क्या हुआ, हमने खुद की वैल्यू सेट की है कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा, राइट। इन दिस वे यू विल गेट द रिजल्ट, फाइन। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द फोर लूप। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ आइडल पे, आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, फाइन। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। सबसे पहले 4 का एग्जाम्पल हम यूज करेंगे लिस्ट के साथ, 4, ओके, 4 फंक्शन हमने लिस्ट ली, 10, 20, 30, 40 एंड 50, फाइन। देन ए इन लिस्ट कॉलन का ध्यान रखना है हमेशा, प्रिंट ए एल्स, अब यहाँ पे एल्स पार्ट ले लेते हैं, राइट, प्रिंट लूप इज ओवर, को हम सेव कर लेते हैं, L1 F5, ओके। तो आपका रिजल्ट आ गया 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन लूप इज ओवर, फाइन, ओके। अब हम लेंगे लिस्ट का एग्जांपल ले लिया, अब हम स्ट्रिंग का ले लेते हैं, इसी में हम लोग कर लेते हैं स्ट्रिंग का, फोर
CHN India. Okay, then print CH else print coming out of the loop. Fine. Fine. Now you can see उसने क्या किया है, स्ट्रिंग का के कैरेक्टर्स वन बाय वन एक्सेस किए हैं, ओके, एंड देन उसको प्रिंट कराया है इंडिया, देन कमिंग आउट ऑफ द लूप. फाइन. नेक्स्ट वी हैव, हमने लिस्ट के साथ कर लिया, ओके, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग का एग्जांपल कर लिया, अब आप करोगे टपल के साथ. हमने एक टपल ले ली, ओके, फोर सीड इन कोड प्रिंट सीटी, राइट, एल्स प्रिंट लूप ओवर. Okay, so it has accessed the elements of the tuple one by one. Okay, and then these are printed. Okay, जब loop finish हो जाता है तो आपका else की statement execute होगी, loop over. Fine. Okay, now अब हम करेंगे range function. Right, program बनाएंगे किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराने का. इनपुट, पहले यूजर से इनपुट करा लेते हैं. इनपुट कैसे एंटर करते हैं ये मेरी वीडियो में आप पहले ही बना चुकी हूं, आप वहां से देख सकते हो, राइट. फोर ए इन रेंज एंड वन and 11, print num. okay, उसके बाद हम x की वैल्यू लेते हैं जो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, देन a की वैल्यू. फाइन, ओके, देन num इंटू a. अब आपको कोई भी नंबर लेना है, मैंने नंबर ले लिया 10, लेट अस सपोज 10 ले लिया, राइट. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 10 का टेबल आ गया. फाइन, ओके, अब आप एक और एग्जांपल दे सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया है. इन रेंज यहाँ पे आपने क्या लिया था, 5 लिया था, ठीक है. तो ये एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया है कि कहाँ से प्रिंट करेगा, एंड में क्या आएगा, 0 to 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, n to 10, राइट. तो फर्स्ट क्या करेगा, n 0 into 10, देन 1 into 10, देन 2 into 10, 3 into 10 एंड देन 4 into 10, राइट. ओके, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 0, देन 10, देन 20, 30 एंड 40. Okay, so in this video we have covered for loop. In next video we will do while loop, right. Okay, bye bye, thank you.